बहुत सारे जानवर लोग रहे हैं मेरे साथ, अभी भी हैं। उनमें से जीतू भी था। उसका नाम जीतू नहीं था, उसका नाम था G2। जी अंग्रेजी का जी, उसके आगे टू। G2 क्यों था? क्योंकि उसका नाम था जी जी, तो जी जी बन गया G2। अब जी जी क्या होता है? जनरली जो लोग उन दिनों बोध स्थल में रहे हैं वो जानते हैं कि जी जी में पहला तो जनरली था, दूसरा जी मैं लिहाज के नाते थोड़ा बदल के बता देता हूँ, जनरली गुमशुदा। तो क्या करता था कि चल रहा है चल रहा है, सीधा चलता जा रहा है, जाके खंभे से टकरा जाए। ऐसा नहीं कि उसकी आंखों में कोई समस्या थी। तो मैं बैठा देखूं, ये करने में मुझे बड़ा आनंद रहता है कि देखो चल क्या रहा है। तो उसको देखूं चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और गमले हैं ये सब चीज़ें हैं, और चलता गया बीच में खंभा खड़ा हुआ, जाके उससे भिड़ गया। और फिर परेशान हो रहा है, जैसे खंभे ने आके उसको मार दिया, बोल रहा है पक 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 पक, खंभे को दो चार चोंच भी मार दी। तो वो उस मुर्गे की ही नहीं कहानी थी, वो हम सब की कहानी है। ऐसे ही है ना, हम सब भी तो जीटू ही हैं, जनरली गुमशुदा। कहाँ हमें पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही एक मौके पे था, मैं बैठा देख रहा हूँ, एक लकड़ी का खंभा हुआ करता था, तो आ रहा है आ रहा आ रहा, खंभे से भिड़ गया। तो मैंने कहा ये तो जीटू है, फिर लोगों ने उसका जीतू बना दिया। ऐसे ही वो और काम करता था, उसे जब संगत चाहिए होती थी तो जिनको तो वो जानता था, जैसे मुझे, तो अगर मैं बैठा हूँ कुर्सी पे तो पास आए आए और छलांग मार के उड़ के सीधे गोद में बैठ जाए। तो अब ये काम है, आप बैठे हो, वो साहब आपकी गोद में बैठ गए हैं, साधिकार। और संगत ही चाहने के लिए जिनको वो जानता नहीं था उनको दौड़ा लेता था। आप अगर बोध स्थल आ रहे हो तो पहले आपको जीतू से होके गुजरना पड़ता था। आप उसको पसंद आ गए तो प्रवेश मिल जाएगा, नहीं तो आप दौड़ाए जाएंगे। बहुत लोगों की फोटो हैं, वीडियो हैं, बेचारे आते थे सोच के कि ध्यान करेंगे, कुछ भक्ति का माहौल होगा, और यहाँ वीडियो बन रहा है जिसमें एक मुर्गा दौड़ा रहा है उनको। ये तो सोचे ही नहीं था ऐसा अनुभव होगा। ये आध्यात्मिक जगह है कि क्या, यहाँ मुर्गे पाए जाते हैं। बहुत चीज़ें हुई थी। हमारे ही कुत्ते थे दो, बंधे नहीं रहते थे, खुले अपना घूमते थे, बीच बीच में आते थे। एक दिन उनमें से एक ने जीतू पर हमला कर दिया। अब ये होता नहीं था,
सालों से नहीं हुआ था, क्योंकि वो कुत्ते जीतू को जानते थे। मैं सो रहा था, उसकी पक 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 की आवाज़ आई, खुला घूमता था, तो उठ के जाके देखता हूँ तो कोहम नाम का कुत्ता था हमारा, वो जीतू पर धीरे धीरे आक्रमण कर रहा है, उसको पंजों से उसके पंख। ये बात अजीब थी, होनी नहीं चाहिए थी। फिर गौर से देखा तो पता चला कि कोहम साहब ने एक मिसेज कर ली है और उनको वो साथ लेकर के आ गए हैं। एक कुतिया बगल में खड़ी हुई थी। प्रकृति का एक और राज खुल गया। सारी दोस्ती, सारी पहचान और अपनापन सब गायब हो जाते हैं जब आप गर्लफ्रेंड कर लेते हैं। ऐसे ही सब चलती रहती थी। उस हमले के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। 5-7 चक्कर लगे डॉक्टर के, बहुत तरह की दवाइयाँ, ये वो, फिर उसकी बच गई थी जान। वैसे ही किसी भी पशु को देखो, बहुत कुछ पता चलेगा, पशु के बारे में कम, अपने बारे में ज़्यादा, क्योंकि वो जानवर हमारे भीतर भी मौजूद है। सब जानवर एक हैं और सब जानवर हम में मौजूद हैं। सब जानवर हम में पूरे पूरे मौजूद हैं, बस हम में कुछ ऐसा है जो जानवरों में नहीं है, हम में थोड़ी बेचैनी ज़्यादा है। जानवरों में इतनी बेचैनी नहीं होती है। जानवरों को खाना पीना वगैरह मिल जाए ठीक ठाक तो वो संतुष्ट रह जाते हैं, हम उतने में संतुष्ट रह नहीं पाते, हमें कुछ और चाहिए जीवन से। वरना अपने को जानने का बहुत अच्छा तरीका है, पेड़ को देख लो, पत्ते को देख लो, किसी भी जानवर को देख लो, यहाँ के बंदरों को देख लो, बहुत कुछ जान जाओगे। सारी बात समझ। कई बार वो चीज़ें सीधे सीधे खुद में देखने में बड़ी शर्म आती है कि हम ऐसे हैं क्या, पर वही चीज़ जब जानवर में देख लो तो स्वीकार करना आसान रहता है कि अच्छा अच्छा जानवर नहीं तो करा। तुरंत ही सीधे ही बता दिया जाए कि वो जानवर ने नहीं करा है, वो दुनिया का हर इंसान कर रहा है, तो हम विरोध करेंगे। अरे बात, कसाई के पास से छूट के भागा था जीतू। खैर वो तो शायद तुम ये सवाल पूछ रहे हो तो वही वीडियो देख के ही पूछ रहे हो। जैसे प्रकृति में सब कुछ ही जीना चाहता है ना, वैसे ही हम भी जीना चाहते हैं। इसे जीविषा बोलते हैं, हम जीना चाहते हैं। बस जो बाकी जानवर हैं वो इसलिए जीते रहना चाहते हैं ताकि खाएं पिएं, मस्त रहें, संतान पैदा करें। वास्तव में उनके पास कोई उद्देश्य होता नहीं। हमें इसलिए जीना है ताकि हम जीवन से मुक्त हो सकें। यही नर और पशु के बीच का अंतर है। पशु को यूं ही जीना है, उससे पूछो क्यों जी रहे हो तो उसके पास कोई कारण नहीं, कोई जवाब नहीं। और आदमी को जीना है ताकि जिंदगी से ही आज़ाद हो सके, ये आदमी के जीवन का उद्देश्य है। और अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके जीवन में ये उद्देश्य नहीं है तो वो पशु समान है। खाने पीने के लिए और परिवार बढ़ाने के लिए तो जानवर भी जीते रहते हैं ना,
और अगर कोई इंसान भी ऐसे ही जी रहा है बस कि कमाओ खाओ परिवार बढ़ाओ, तो वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। कोई जानवर जानवर हो तो इसमें कोई हीनता की बात नहीं, क्योंकि जानवर तो जानवर ही होगा। पर इंसान जानवर हो जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा इंसान अब बड़ा दुखी रहेगा। हम आमतौर पे जब किसी को गाली देते हैं और कहते हैं कि तू आदमी नहीं दरिंदा है, तू आदमी नहीं कुत्ता है भेड़िया है, तो ये सब हम तभी करते हैं ना जब उसने कोई हिंसा वगैरह करी हो। हम आदमी को जानवर तभी बोलते हैं जब उसने हिंसा इत्यादि कुछ करी हो। ये बड़ी भूल है हमारी। जानवर होने का लक्षण यही भर नहीं है कि हिंसा कर दी। जानवर होने का बड़े से बड़ा लक्षण ये है कि खाया पिया मौज मनाई बच्चे पैदा करे। लेकिन कोई जाके किसी की थाली में से खाना छीन ले लूट ले तो हम तुरंत कह देंगे कि ये तो कुत्तों वाली हरकत है। लेकिन कोई अपना रोज नौकरी करता है कमाता है खाता है पड़ा हुआ है और मौज मना रहा है बढ़िया चीजें खरीदता है उपभोग की बीवी है बच्चे हैं तो हमारे मन में ही नहीं आता कि इसको कहें कि तू जानवर है। जबकि बड़े से बड़ा जानवर तो ऐसा आदमी है जो बढ़िया जॉब करता है कमाता है और ऐश काटता है। इससे बड़ा जानवर कौन होगा? ये सब बातें समझ में आएंगी अगर जानवरों के साथ रहा करोगे। और जितना साथ रहोगे जानवरों के, जितना देखोगे कि हम भी जानवर ही हैं, बिल्कुल हमारे ही जैसा है, वो भाई है, उतना फिर मुश्किल हो जाएगा जानवर को दुख देना, बांधना, उसका शोषण करना या उसे काट के खा जाना। अभी तो ऐसा लगता है ना कि जानवर नहीं है, कोई दूर की चीज़ है, बाहरी चीज़ है, पराया लगता है।